हेलो एवरीवन, हमारे डे वाइज सीरीज का आज 10th डे है और आज का टॉपिक है हमारा एशियन के बारे में। देखिए, डे वाइज सीरीज में हम वही टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो न्यूज में है, तो न्यूज में होने की वजह से इम्पॉर्टेंट होता है और जनरली क्वेश्चन वहीं से पूछते भी हैं एग्जाम्स में। तो आज का टॉपिक हमारे एशियन के बारे में है। प्लीज आप इसे एंड तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन आए, चाहे करंट अफेयर्स आए या मेंबर कंट्रीज के नेम याद करने में, तीनों में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं मेंबर कंट्री के नेम याद करने के लिए साथ में ट्रिक्स भी देती हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन क्या है? एशियन इज अ पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर स्टेट इन साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि ये जो 10 मेंबर स्टेट हैं, ये 10 मेंबर्स हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेट करते हैं। इनका मैप हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में दिया गया है, आप वहां से देख लीजिएगा। यह क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन। यानी कि ये जो 10 मेंबर्स हैं, इनके बीच इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे कोऑपरेशन होता है और ये फैसिलिटेट करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन। यानी कि इतने फील्ड्स में इनका इंटीग्रेशन होता है और इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन होता है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 को अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन है क्या? पहली मीटिंग जो हुई थी इन मेंबर्स की, यानी कि 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन 5 मेंबर्स जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनकी पहली मीटिंग जो हुई थी बैंकॉक में हुई थी, उसी मीटिंग के अंडर एक डिक्लेरेशन को घोषित किया गया जिसको बोला गया बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर एशियन का फॉर्मेशन हुआ 1967 में। नेक्स्ट है हमारा सेक्रेटेरिएट कहाँ था? इनका सेक्रेटेरिएट है जकार्ता में और चेयरमैनशिप है इंडोनेशिया के पास। सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल है काओ किम हाम है। इनका मोटो क्या है? मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। कभी कभी एग्जाम्स में यही पूछ लेता है कि इनका मोटो क्या है या इनका विजन क्या है, तो इनका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। मेंबर्स कितने हैं? इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। इनका ट्रिक्स भी दिया हुआ है, पहले आप इनके नेम पढ़ लीजिए। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस 10 मेंबर्स में, एशियन के 10 मेंबर्स में इंडिया इसका मेंबर नहीं है किसी भी तरीके से। हालांकि अभी हाल ही में 19th समिट हुआ है नवंबर में इंडिया और एशियन के बीच में, ये करेंट अफेयर्स में था तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि अभी इंडिया का हाल ही में 19th समिट हुआ इंडिया और एशियन का, तो इंडिया मेंबर नहीं है पर समिट साथ में करता है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसको याद करने का? टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस का टीवी क्लिप कैसे? एम फॉर म्यांमार, बी फॉर ब्रुनेई, बी फॉर फिर अगेन बर्मा जिसको म्यांमार भी कहते हैं, एस से सिंगापुर हो गया आपका, टी से हो गया थाईलैंड, वी से हो गया वियतनाम, सी से हो गया कंबोडिया, एल से हो गया आपका लाओस, आई से हो गया आपका इंडोनेशिया, पी से हो गया आपका फिलीपींस। तो ये रहा हमारा शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे डे वाइज सीरीज के टॉपिक में आपको करेंट अपडेट्स भी मिलेंगे और साथ में ट्रिक्स भी मिलेंगे, जिससे ये हेल्पफुल होगा आपको कि आप दोनों चीजों को टैकल करने में आसान हो जाएगी। आपको एग्जाम में कोई भी करेंट अपडेट्स पूछता है या मेंबर कंट्रीज के नेम याद करने हैं तो आप इजिली क्या करेंगे, कर सकेंगे। अभी एक चीज के लिए और भी न्यूज में था एशियन कि हाल ही में ईस्ट तिमोर जो है कि एशियन का 11th मेंबर बनने जा रहा है। तो अभी तक 10 मेंबर्स थे, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 10 टोटल मेंबर है और नया मेंबर कौन बन सकता है? ईस्ट तिमोर। तो दो न्यूज से रिलेटेड मैंने दो चीजें आपको बताई। पहला ये कि 19th एशियन इंडिया एंड एशियन समिट एंड दूसरा ईस्ट तिमोर गोइंग टू बी बिकम 11th मेंबर ऑफ एशियन। तो ये रहा दूसरा करेंट अफेयर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।